वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो बाबू की पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, सारे रिलेटिव्स भी जा चुके हैं, कल सब लोग चले गए थे और अब हम लोग बचे हैं घर में। और आज सुबह मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो जब तक मैं कुछ कर नहीं रही थी तब तक मेरी लेट उठने की आदत हो गई थी, क्योंकि कुछ काम ही नहीं रहता था तो रात भर बाबू जगाता भी था तो लेट उठ लेती थी। लेकिन आज भाई साहब, एक तो हमारे देवर जी यानी कि आयुष को जाना था, इलाहाबाद के लिए निकलना था, तो उसकी वजह से भी क्या बोलते हैं इनको छोड़ने जाना था, तो जल्दी उठना था और वैसे भी अब जल्दी उठना पड़ेगा, उठना है तो, और थोड़ा सा रूटीन भी मेंटेन हो जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि काम रहेगा तो सर पे टेंशन रहती है कि हाँ ये करना वो करना है, तो जल्दी इंसान उठ जाता है। लेकिन आदत पड़ गई लेट उठने की, तो मेरी आंखें जैसे आज खुली नहीं हुई थी, इतनी चिपक सी गई थी आंखें और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। फीड कराते ऐसे 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 झूल रही थी और कुछ भी काम कर रही थी, मतलब आज दो बारी तीन बारी चाय भी पिया फिर भी मुझे होश नहीं आया, कपड़े धुली बाबू के तब भी होश नहीं है, नहा रही हूँ तब भी अभी भी मेरी आंखों में जलन हो रखी, क्योंकि एक तो इस बीच थोड़ी सी थकान और साथ ही साथ रात भर सोने को नहीं मिलता था, दिन में तो सोने को नहीं मिलता था, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और थोड़ा सा ये भी है कि जल्दी उठी इस वजह से आज और ऐसा लगा, तो अभी सबका नाश्ता पानी हो गया है, पतिदेव जी ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं सब कुछ सारा सामान समेट रही हूँ, क्योंकि जो पूजा में हम लोगों ने कपड़े पहने थे वो सब कुछ बस चेंज कर करके ऐसे ही रख दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था किसी के पास कि कोई फोल्ड कर करके सारी चीज़ें अस्थिर करके रखे, तो अब सारी चीज़ें सब समेट लेती हूँ और उससे पहले खा लेती हूँ गुलाब जामुन जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। सर यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो चुका, फंक्शन रमाण पूजा वो भी ख़त्म हो गई और ख़त्म होने के बाद से ये हुआ हमारे साथ अभी जो फ़िलहाल किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है, तब मैं शूट नहीं कर रही थी कि मैं दिखाऊं, ऐसी हालत थी ना कि क्या बताऊं, अभी सारा सब कुछ झाड़ू वाड़ू लगाया है तो सुरक्षित है, साफ़ है, अभी भी एक कमरा नहीं साफ हुआ है, वो भाभी वाला अभी होगा जब तक कि बन रही है चाय। कुछ कहेंगी देवी जी? नहीं यार कहेंगे तो कुछ नहीं, कह दीजिए यार। नहीं कहेंगे कुछ नहीं, बस अभी साफ सफाई करना है, अभी कुछ काम बचा है, रूम का बचा है, बस यही सब है, बाकी चाय बाकी हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, लड़का लड़की क्या लगा, अदला बदली कर लेंगे अपने बच्चे। हाँ सही बात, इतना प्यार लड़की चाहिए, लड़की अगर अदला बदली कर लेंगे, सही बात, बस चाहिए बच्चा, बच्चा तो चाहिए, मतलब बच्चा तो चलिए हो गया, लेकिन क्या बोलते हैं लड़की चाहिए भाई, लड़की चाहिए, मुझे लड़कियों का इतना शौक है ना, मुझे भी है ना, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तो अपना बेटा मुझे दे देना, मैं तो अपना बच्चा, पहले पता है चले हमारे भी वही हो तो क्या करें। सही बात, मतलब अभी भी जब बाबू पेट में था तो मेरे दिमाग में ही था लड़की होगी, लेकिन लड़का हो गया, खैर इसमें भी खुश है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की चाहिए, लड़की की जो खुशी है वो तो अनदर लेवल वाली है। फिलहाल हमारी चाय उबल रही है, लड़की पर चाय देखो पूरा एकदम दूध वाली बनाते हैं, मस्त मलाई मार के दिख रही होगी आपको, मलाई दिख तो रही है अभी, बाहर बाबू को लेकर खुशी, बाहर बाबू को लेकर के मजाक छिड़ो, ये डल गई चाय पत्ती, तो जिसको भी चाय नहीं बनाने आती है स्पेशली बॉयज को, तो यहाँ पे चाय भी देख सकते हैं, ऐसे 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 वो चाय बना सकता है, मेरा बच्चा रो रहा है, आज उसका लुक तो दिखाया नहीं, बेचारा लड़की बना हुआ है, आज पापा को टीवी नहीं देखने दे रहा, परेशान कर दिया। हाँ बाबा ढेर टीवी देख, बहुत बदमाश, थोड़े इधर उधर भी देख लो भाई, आज खाली पापा में ही व्यस्त है वो, देख
फिर अंति घुमा ले रहा है। पापा पापा थक गए बतिया बतिया बेचारे मोबाइल नहीं देख पा रहे थक गए। आज दादी पे प्यार नहीं आ रहा, आज बाबा बड़े दिन बाद पकड़ा तो आज तो नहीं चलाने दूं। बच्चे को तो लगेगी नजर, हर कोई देखेगा कुछ ना कुछ बोलेगा ही। आज बाबा से बतिया बतिया खुश है देख रहे हैं तुम। आज बाबा के अलावा कोई पसंद नहीं आ रहा। कहाँ खाए भाई, तो मैं चला जाऊंगा धीरे धीरे। वो लेकिन जो है क्या देखोगे जिस तरीके से उनकी जो क्वालिटी है, लाइफ स्टाइल आप बोलेंगे बिल्कुल स्टे और हम क्या कर रही हो यहाँ पे बाबू को। मैं अपने अपने कान्हा को अपने कृष्णा को तैयार कर रही हूँ, टीका लगा रही हूँ। उसके लिए मेरे को उसको ये पकड़ाना पड़ा है, तो जब मैं पकड़ाती नहीं हूँ, जब डेली सो जाता है तब फिर लगाती हूँ, लेकिन आज सो नहीं रही है, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से तैयार कर दे इसको। ये लग गया छोटे वाला येलो वाला टीका, ये रेड वाला लगा रही हूँ। इतना तो मैं खुद नहीं तैयार होने में मेरे को लगता है, लेकिन बच्चे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। भी होली है भाई, अभी मैं पहन के नहा धो के कृष्णा बन के ऐसे मुट्ठी बंद किए रहता, नहीं बंद कर रहा है हम बेचारे पगले। हाँ ओके ओके ओके, ये रेडी हो गया मेरा बच्चा, जितना हो जाए सूट बूट पहन के। तो अभी बन रहा है रात का खाना, सुबह अब रात में शूट कर रही हूँ, तो अभी बन रहा है रात का खाना। यहाँ पे बन रही लौकी की सब्जी, सब्जी वगैरह मम्मी काट लेगी, अभी मैं छानी आटा, फटाफट से फिर बनेगा खाना। और लेट हो गया काफ़ी, ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि पापा गए थे मंडी 9:30 हो गया, क्योंकि पापा गए थे मंडी सब्जी लाने के लिए, सब्जी नहीं किया था कुछ, अब बनाएंगे। जब मैं वहां से सब्जी लेके आती थी तो क्यों नहीं बोले थे, क्यों नहीं बोले थे। दादा डालो तो दादा हो जाता है इसमें, दादा हो जाता है क्योंकि इसमें पानी छोड़ता है। सरसों का तेल है? हाँ सरसों का तेल है। फाइनली मैं किचन में प्रवेश कर चुकी हूँ काम काज करने के लिए। ना 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 ना